चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर क्या है, IMAC की जिम्मेदारी क्या होती है, IMAC कैसे कार्य करता है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है। भारतीय नौसेना समग्र समुद्री सुरक्षा, तटीय और अपतटीय के लिए जिम्मेदार है और कोस्ट गार्ड, राज्य समुद्री पुलिस और अन्य एजेंसियां तटीय सुरक्षा में इसे सहायता प्रदान करती है। 26/11 के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में कोस्ट गार्ड को क्षेत्रीय जल में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था। नौसेना, कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस और सीमा शुल्क सहित सभी एजेंसियों द्वारा क्षेत्रीय जल में निगरानी बढ़ाने के लिए जोर दिया गया था। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर क्या है। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस सुरक्षा एकीकृत इकाई के तौर पर काम कर सके, उसके लिए भारत सरकार ने साल 2014 में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर का गठन किया। इसका मुख्यालय गुड़गांव में बनाया गया है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि 26/11 के हमले जैसी घटना दोबारा ना हो सके। यह समुद्र तटीय सुरक्षा की जानकारी को जमा करने और अलग अलग जगहों तक पहुंचाने के लिए नोडल सेंटर की तरह काम करता है। IMAC की जिम्मेदारी क्या है। IMAC हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर केंद्रित है। इसके मुख्यालय में उन सभी जहाजों को देखा जा सकता है जो हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरते समय एक स्वचालित पहचान प्रणाली अर्थात AIS को संकेत प्रेषित करते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक पोत के लिए मार्ग, गंतव्य, राष्ट्रीयता और स्वामित्व सहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में 35 देश शामिल हैं। यह सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है जिसमें किसी भी समय 11,000 से 12,000 जहाज मौजूद हैं। समुद्र के रास्ते देश में आने वाले किसी भी जहाज की निगरानी का काम IMAC के जिम्मे है। IMAC कैसे कार्य करता है। IMAC का प्रमुख कार्य विभिन्न स्रोतों से जानकारी हासिल करना ही नहीं है, बल्कि जानकारी का सही विश्लेषण कर उसे सटीक आकार देकर विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को जानकारी देना भी है। IMAC के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध है, जहां से यह डाटा प्राप्त करता है, पैटर्न का विश्लेषण करता है और कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को सचेत करता है। डाटा के लिए इसके स्रोत में नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा संचालित देश भर में 51 नोड्स, तटीय रडार श्रृंखला में 46 स्टेशन जिनमें रडार, ऑप्टिकल और मौसम संबंधी सेंसर है, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन बेसल एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली जिसमें 87 स्टेशन है शामिल है। आज का प्रश्न है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत सरकार ने 2014 में इसका गठन किया। कथन दो, इसका मुख्यालय गुड़गांव में बनाया गया है, उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।
धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।